सच में मैं तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसी पैशनेट लेडी नहीं देखी. एक ड्रीम और ड्रीम के साथ डिसीजन, और डिसीजन भी ऐसा जॉब करते हुए रोज काम दिखाने, रोज मीटिंग. मैंने उनकी सिर्फ दो दिन मीटिंग की, लेकिन हर रोज ये पता लगता था कि आज कहाँ मीटिंग कर रही हूँ, आज वहाँ मीटिंग कर रही हूँ, और देर शाम तक उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया. मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं, उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए. उनका जो सपना था वो सपना अपना खुद शेयर करेंगे, और उस सपने के ऊपर इतना फोकस हुए, पूरी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, और एक बहुत बड़ी सक्सेस. और सिर्फ वो सिल्वर ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है वो इस बिजनेस में डायमंड जाएगी. काम आपकी जबरदस्त लगन के बीच अपलाइन और अपनी डाउनलाइन जिन्होंने सपोर्ट किया है मेरे को, उसी वजह से मैं आ गया. मैं सबसे ज्यादा थैंक्स बोर्ड से पहले भी मैं मेरी अपलाइन को करना चाहती हूँ, सुनील शर्मा एंड नरेंद्र बोर्ड. नाम मेरा स्नेहा अग्रवाल है, और हम एक नॉर्मल गरीब सी फैमिली में पैदा हुई थी, कुछ नहीं जानती थी. जब कुछ बड़ी हुई, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी, उसके बाद सोचा प्लस टू कर ली. चाचा ताऊ सब ने ऐसे कहा कि लड़की को पढ़ा के क्या करना है, इसकी शादी कर दी, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था. जब भी शादी की बात हुई तो मेरे को ऐसे लगा भी नहीं, शादी नहीं करनी, मेरे को कुछ ऐसा करना है जो गांव में किसी ने नहीं किया. छोटा सा गांव था मेरा, सिर्फ 1600 की पॉपुलेशन आज भी है, उस टाइम तो 1200-1300 की होगी. फिर भी सोचा, जब पता नहीं होता था, बिजनेस भी कुछ चीज़ होती है, तो ऐसे था भी शादी करने से पहले मेरी खुद की नौकरी होनी चाहिए, यही ड्रीम था. घर वालों ने यही सिखाया था, माँ बाप खेती करा करते थे भी, अगर नौकरी मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी बिल्कुल. तो मैंने भी ये ड्रीम बनाया कि जब तक मेरी नौकरी ना लगे मैं नौकरी लेके दिखाऊंगा, फिर शादी होगा. फिर यही हुआ, 2007 में मेरी जॉब लगी, मैंने नर्सिंग की, उसके बाद जॉब लगी, शादी जो उसके बाद एक साल बाद शादी होगी मेरी. मेरे हस्बैंड का नाम लेना चाहती हूँ मैं, डॉक्टर विनोद ग्रेवाल. इतने नाइस पर्सन थे, भगवान से भी ज्यादा आज भी उनको ही मानती हूँ. शादी हुई थी मेरी 14 जुलाई को, और ये बिजनेस आया था 26 जून को, शादी से 15 दिन पहले. आज भी मेरे को वो बात बहुत याद आती है. मेरे को फोन करके बताया था, बोले आपको लाइफ पार्टनर बनाने से पहले मैंने बिजनेस पार्टनर बना दिया. उस टाइम नहीं समझ था भी बिजनेस क्या होता है,
फिर लोग साहब की भी जॉब लगी, लाइफ पूरी सेटल की। प्रोडक्ट इसके बहुत अच्छे थे, जब से शादी उसके बाद ये प्रोडक्ट यूज करते आए हैं। पर मन में एक ये डर था भी, आप क्यों बताए किसी को आपकी जॉब है, मेरी जॉब है, जरूरत ही नहीं है अपने बिजनेस की। नहीं समझ था ये बिजनेस भी करना क्यों है, किस लिए करना है। बस मगर अच्छे प्रोडक्ट है, आप किसी के दरवाजे पे जाके नहीं कहेंगे भाई ये यूज करो, दिमाग नहीं था। आज सोचती हूँ कि बहुत बड़ी गलती करी थी मैंने उस टाइम, बहुत बड़ी गलती थी मेरी। कुछ वो बहुत पॉजिटिव थे पर मैं ऐसे टांग खींचा करती थी, वेट रहने दो, कोई जरूरत नहीं अपने को करने की। ससुराल में अनमैरिड अनपढ़ सी फैमिली थी, वो ऐसे सिखाया करते हैं डॉक्टर बना दिया तो डॉक्टर नहीं बन रही है, क्या जरूरत है तेरे को सामने तेरे की। जब अब आज भी कई लोगों के मन में ये होगा भी सामान बेचने का बिजनेस है, पर अब जाके पता चला ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। सर भी बता रहे थे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, पर मेरे को नहीं लगता ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। ये बिजनेस तो दिल से करने का है, एक अच्छे रिलेशन बनाने का है, अपने लोगों से प्यार करने का बिजनेस है। अब जाके समझ आया भाई ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस तो कुछ और ही था, ये अनोखा था। लाइफ बिल्कुल सेटल थी, सब कुछ सही चल रहा था, लगभग सभी को पता है। डेढ़ साल पहले तब उस टाइम लगा बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं आना है आगे, सब कुछ लाइफ बिल्कुल खत्म है। चलता रहा चार पांच महीने ऐसे ऐसे था भी, जीना ही नहीं है, बच्चों घर वाले भी उससे बात करना अच्छा नहीं लगता था, किसी से भी बात अच्छा, घर वाले भी लड़ाई करने लगे भी तू बात नहीं करती, बोलती नहीं, अच्छे नहीं लगते तो बाहर चले जाएंगे। तब जाके हर अब बंदा आता ऐसे करता भी कोई नहीं आएगा तेरे को बताने, खुद को संभालना है, खुद करना है, अपने हिसाब से चलना है। पर दिमाग में एक कीड़ा रहता था भाई अगर विनोद गया है तो वो ही आएगा बताने, बस दिमाग में यही था कभी तो आएगा वो बताने। आज भी मेरे को याद है 10 नवंबर का दिन था जो मेरे को एक उनकी डायरी मिली, उसमें इतने अच्छे से लिख रखा था सन 2016 में लिखा उन्होंने भी, तुम मेरी चाहे कोई बात मत मानना सिवाय आपके बिजनेस को। उन्होंने लिखा ये मेरी गुरु दीक्षणा के रूप में, ये तेरे साथ रहनी चाहिए तो तेरे को एक बार ये फिर से जीना सिखाएगी। फिर मेरे को एक उम्मीद सी जगी भी, आज जो शादी से पहले ही बिजनेस पकड़ा था वो तो है मेरे पास, वो ड्रीम है उनका, मेरे को ये ड्रीम पूरा करना है। मैंने इसी ड्रीम को लेके जनूर बनाया भी, अब इस सर को फोन किया, उनके नंबर दिए लोग साहब की मोबाइल के, रात में से आओ कर मेरे को बिजनेस करना, एक किसी कारणवश नहीं आ पाई। फिर मैं दोबारा फोन की, सर को याद नहीं होगा मैंने ना तीसरी बार भी फोन की भी आप करो, क्या पता सर के माइंड में होगा भैया वो क्या कर पाएगी, मेरे को इस बात का नहीं बताया वो बिजी थे। फिर एक दिन भगवान की बहुत बड़ी असीम कृपा रही होगी कि वो हमारे घर आए। मैंने उनसे बात करी, जब ऐसे नहीं लगा था भी आज मैं इस सिल्वर लेवल अचीव करके यहाँ तक पहुँचूंगी, सिर्फ मेरे को ये लगा था भी उनका ड्रीम पूरा करना है, ड्रीम चाहे हो ना हो, उनको इन्होंने इतना लिखा था भी हमें बिजनेस छोड़ना नहीं है। मैंने इसको रीज्वाइन किया भाई इसको छोड़ूंगी नहीं, कम से कम सक्सेस लोगों में जाऊंगी, अच्छी मोटिवेशन मिलेगी, मेरे बच्चों को कुछ सिखा के लाऊंगी, वो एक अच्छे बच्चे बनेंगे, मैं उनकी माँ बनूंगी। इसी सोच से मैंने उसको फिर से स्टार्ट कर दिया और आज मैं मेरी मेहनत नहीं कहूंगी, ये मेरे अपलाइन की हेल्प थी और लोग साहब की पावर है तभी ये बिजनेस इतना बड़ा बना। जो सर बता रहे थे कि 21% का लेवल होता है उसमें 80,000 होते हैं, फिर 35% मिलते हैं, फिर 40 मिलते हैं, वो सारे लेवल अचीव कर लिए।
अब मेरे को नहीं लगता भाई मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, मेरे को अंदर से इतनी हिम्मत आई है, मैं बोल्ड हो चुकी हूँ। लोग सोचते हैं भाई जब इंसान चला जाता है तो उसकी घरवाली को कोई नहीं पूछता, पर मैं उधर आगरा भी गई थी, वहाँ भी मेरे को सेलिब्रेट किया गया था, पर वहाँ जाके मेरे को इतनी खुशी मिली। जो सक्सेस लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं इस बिजनेस में, वो मेरे को सल्यूट करते हैं। जब आसमान में पापा उठते रहते हैं उस टाइम तो होता है लाइफ बिल्कुल सेटल है, कुछ नहीं होता, यही हमारे साथ होता था। नहीं नहीं सही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, किसी की जरूरत नहीं। जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद बुरा वक्त आता है ना, तो इंसान वो जब आप पढ़ते हैं ना किसी ने, जैसे किसी लोगों ने स्टेटस लगाए होते हैं भाई, चेहरे याद रखते हैं, ये रखता है, इंसान बोलते नहीं है, बुरे वक्त में गुंगे भी बोल पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हुई है मेरे साथ, मैंने देखा है पूरा टाइम तो लोगों के चेहरे कैसे हो जाते हैं, तो कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। पर इस बिजनेस ने ना मेरे को जीना सिखा दिया, ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं है, ये ना जिंदगी वाला भी है। तो सर बता रहे थे पहले सिल्वर लेवल अचीव होता है, फिर प्लेटिनम होता है, फिर आपको डाबी का ड्रीम मिलता है। मैंने भी ये ड्रीम देखा था, मैंने करके दिखाना है, जो चाहे आपको डाबी का ड्रीम हो चाहे कोई हर रूल अचीव करना है।